हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान, इसके हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि जनरल नॉलेज में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम्स में, लगभग इस समय जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, SSC के, रेलवे, जूनियर असिस्टेंट, UP SSC, मंडी परिषद, ठीक है, BEd, सभी में भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई है इन चारों में से? स्टूडेंट्स, आप लोग ऑप्शन देख लो, मैं केवल इन सभी में से राइट आंसर बताऊंगी, ठीक है, नहीं तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई है। तो संविधान सभा की स्थापना हुई है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई है? केरल में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। निम्न में कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है किस संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा ये पंथ निरपेक्ष शब्द ये जोड़ा गया है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? सन 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 290 में है वित्त आयोग का गठन। अगला है कि सुमेलित कीजिए ये अनुच्छेद, ये देखिए 14, फिर है संशोधन प्रक्रिया ब अनुच्छेद 36, फिर दूसरा है मंत्रिपरिषद स अनुच्छेद, फिर ये देखिए तीसरा है समानता का अधिकार, और फिर द अनुच्छेद 368, फिर ये नीति निर्देशक तत्व। इन सभी को मैच करना है, इन चारों में से कौन, मतलब सीरीज वाइज इसको अरेंज करना है। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ये आपका चौथा वाला, सबसे पहले थर्ड होगा इनमें, इसमें से। तो थर्ड क्या है, देखिए सबसे पहले समानता का अधिकार, ठीक है, सबसे पहले होगा समानता का अधिकार, और फिर है नीति निर्देशक तत्व, देन है संशोधन प्रक्रिया, और फिर उसके बाद है मंत्रिपरिषद। ये होगा इस तरीके से अरेंज। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके से अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डी, सबसे पहले होगा ये देखिए स, सबसे पहले नागालैंड होगा। ये देखिए क्या है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1990 के बाद हुआ था और इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका मतलब ये सब राज्य है, ये इनका गठन हुआ है 1990 के बाद सन, और इसको पढ़ते हुए क्रम में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हुआ था नागालैंड का, और फिर उसके बाद हुआ था ये हरियाणा का, फिर मेघालय, और देन सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, ये प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 महीने के अंदर नए निर्वाचन होंगे। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह संविधान संशोधन कौन सा है? उसका राइट आंसर होगा ये 91वां संशोधन है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। परमाणविक ऊर्जा विभाग किसके अधीन होता है? ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। सरकारियां आयोग गठित हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए, सही आंसर होगा संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा कहलाती है? सही आंसर है उद्देशिका। नेक्स्ट है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं कहाँ?
भारत और यूएसए दोनों में। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इसका आशय है इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और इस चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन रखिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले, और आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए और शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी तक, लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी को इस तरीके के क्वेश्चन देखने का मौका मिले और वो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? अनुच्छेद 111। अगला है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? वह तिथि थी 15 फरवरी 1985। अगला है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यह है राज्यों का फेडरेशन। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो 6 अगस्त 1952। नेशनल लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, राजस्थान, यहां पे विधान परिषद नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष होती है। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित होती है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग का उपाध्यक्ष और संघ राज क्षेत्र में मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल वित्त आयोग द्वारा ये राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा मतलब वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता डाक द्वारा मतदान को कहते हैं, डाक द्वारा मतदान को कहते हैं परोक्ष मतदान। अगला है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, बाय डिफेक्शन। स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे मैं रोकती हूँ, इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।